बारे में, इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्पों के बारे में, और इसके अलावा ये चित्रकार भी थे। क्या थे? चित्रकार भी थे। तो ये मूर्तिकार भी थे और क्या थे? चित्रकार भी थे। क्या थे? चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, लेकिन इन्होंने ज्यादातर मूर्ति शिल्प बनाए, इसलिए इनकी जो गिनती है वो मूर्तिकारों में अधिक की जाती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इनके जन्म के बारे में। किसके बारे में? जन्म के बारे में, कि धर्मराज भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म सन 1917 में हुआ था, और कब हुआ था? 20 दिसंबर के दिन हुआ था। कब है इनका जन्म? 20 दिसंबर। और सन कौन सी? सन 1917 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 20 दिसंबर सन 1917 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और लाहौर वर्तमान में कहां पर है? लाहौर लिखेंगे, लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। लेकिन इनका जन्म कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। और अपन ने अभी चर्चा की थी, भारतीय प्रसिद्ध मूर्तिकार है कौन? धनराज भगत। ये क्वेश्चन पहले भी एक स्टूडेंट ने किया था कि सर, इनका जन्म जब लाहौर में हुआ है और लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ये भारतीय मूर्तिकार कैसे कहलाए? तो देखिए, अपना देश आजाद कब हुआ? सन 1947 ईस्वी में। इससे पहले क्या है, भारत और पाकिस्तान एक ही देश, एक ही थे, लेकिन जब विभाजन हुआ 1947 ईस्वी में, तो यानी कि ये कोई पार्ट है, ये विभाजन हो गया। कब हुआ? 1947 ईस्वी में। तो इधर वाला पार्ट क्या कहलाया? पाकिस्तान। और इधर वाला भारत। तो इनका जन्म यहाँ पर हुआ लाहौर में, लेकिन जब 1947 ईस्वी में कहा गया कि जो भारत में रहना चाहता है वो अपने आप भारत में रहे, और जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकता है, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से किधर आ गए? भारत में आ गए। और भारत से किधर चले गए? कुछ लोग पाकिस्तान में। जो जहाँ पर जाकर रहने लग गया उसकी वहीं की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो ये लाहौर से उठकर कहाँ आ गए? भारत वाले हिस्से में आ गए, और इनको भारतीयता की नागरिकता प्राप्त हो गई। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और लाहौर कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में। पहले लाहौर भारत में ही था विभाजन से पूर्व। समझ में आ गया? अब दोबारा ये क्वेश्चन नहीं उठेगा ना कि सर, लाहौर तो पाकिस्तान में है और आप कह रहे हो भारतीय मूर्तिकार, यानी इनका जन्म पहले लाहौर में हुआ था, लाहौर भारत का ही हिस्सा था, इस कारण से वर्तमान में इसे विभाजन किया गया तो ये पाकिस्तान में आ गया। किसमें? पाकिस्तान में। जन्म इनका वर्तमान के अनुसार पाकिस्तान में हुआ, लेकिन ये भारत में आकर बस गए, कि भारतीयता नागरिकता मिल गई इनको, भारत की नागरिकता, इस कारण से ये भारतीय ही माने जाएंगे। समझ में आ गया? इनका जन्म 20 दिसंबर सन 1917 ईस्वी को लाहौर में, और लाहौर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अब चर्चा करेंगे इनकी कला शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? कला शिक्षा के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, कि इनकी कला शिक्षा कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, कितने में, ये सब चर्चा होगी इसमें। तो देखिए, धनराज भगत ने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्ति शिल्प में डिप्लोमा किया था। तो लिखेंगे आप, धनराज भगत ने धनराज भगत ने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्ति शिल्प में क्या किया था? डिप्लोमा प्राप्त किया था।
और वहीं पर इन्होंने क्या किया, अध्यापन का कार्य भी किया था। कहां से? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, कहां पर है? लाहौर में। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी लाहौर में, 1875 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। और धनराज भगत ने भी यहीं से पढ़ाई की और उसके बाद में ये यहीं पर इन्होंने क्या किया, अध्यापन का कार्य करवाया, यानी कि यहीं पर ये क्या बन गए थे, कला के टीचर बन गए थे, कला अध्यापक बन गए थे। और धनराज भगत के गुरु कौन थे? देखो इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे, आप बताओ कौन थे धनराज भगत के गुरु कौन थे जिनसे इन्होंने मूर्ति शिल्प सीखा था? इनके गुरु थे राम किंकर बैज। कौन थे? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज इनके गुरु थे। राम किंकर बैज गुरु कौन थे धनराज भगत के? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज धनराज भगत के क्या थे? गुरु थे। भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट व फील्ड पब्लिसिटी स्टूडियो में भी कुछ समय तक धनराज भगत ने मूर्ति शिल्प बनाना सीखा था। और धनराज भगत मूर्ति कला और चित्रकला दोनों में ही श्रेष्ठ थे। इसके बाद मेयो स्कूल वो पार्ट में ये डिप्लोमा प्राप्त कर लिया और वहीं पर ये पढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर्ति कला के अध्यक्ष के रूप में ये आ गए थे। किसके रूप में? दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट में, यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, दिल्ली के अंदर जो कला महाविद्यालय था उसमें ये अध्यक्ष के रूप में आकर इन्होंने क्या किया, पद संभाल लिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के तहत ये अमेरिका, यूरोप, नेपाल आदि देशों का भी इन्होंने भ्रमण किया। वहाँ जाकर इन्होंने अपने मूर्ति शिल्प का परिचय दिया और वहाँ प्रमुख कलाकारों से सीखने को मिला। इस प्रकार से मूर्ति शिल्प में ये धीरे धीरे पारंगत होते रहे। दिल्ली शिल्पी चक्र नामक संस्थान के प्रमुख संस्थापकों में भी इनको एक संस्थापक सदस्य के रूप में माना गया और इन्हें इस ग्रुप का क्या बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया गया था। क्या बना दिया था? सेक्रेटरी सदस्य बना दिया गया था। दोबारा सुनेंगे, दिल्ली शिल्पी चक्र, क्या नाम है? दिल्ली शिल्पी चक्र। इस दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्यों में किसको माना जाता है? धनराज भगत भी इनके सदस्यों में एक थे। और इस ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया था किसको? धनराज भगत को। अब पढ़ेंगे अपन इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्पों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं धनराज भगत के, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धनराज भगत के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए इनका एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है जो काफी फेमस हुआ, जिसका नाम है घोड़े की नाल बंदी। क्या नाम है? घोड़े की नाल बंदी। घोड़े की नाल बंदी। घोड़े की नाल बंदी इनका एक फेमस मूर्ति शिल्प है। उसके अलावा नटराज की भी इन्होंने एक मूर्ति शिल्प तैयार की थी। किसकी? नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी।
नटराज की मूर्ति। और इसके अलावा इनके मूर्ति शिल्प कौन से हैं? दुख में डूबा सभी है, यानी कि एक पोर्ट्रेट बनाया था वो किसमें? दुख में डूबा हुआ है। किसमें? दुख में डूबा हुआ सभी है, दुख में डूबा सभी है। सभी क्या होता है? सभी होता है व्यक्ति चित्रण, जिसको क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट साइज का। इसके अलावा एक और मूर्ति शिल्प बनाया उन्होंने इंडिया नाम से। इस नाम से, इंडिया के नाम से ये सब इनके मूर्ति शिल्प है। घोड़े की नाल बंदी, नटराज की मूर्ति, दुख में डूबा सभी है और इंडिया, ये मूर्ति शिल्प है किसने बनाए? धनराज भगत ने। अब पढ़ेंगे अपन इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख चित्र। इन्होंने चित्र भी बनाए थे, अर्थात ये चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। प्रमुख या प्रसिद्ध चित्र किसके? धनराज भगत के। इनके प्रसिद्ध चित्रों में झोंपड़ी, क्या नाम है? झोंपड़ी। और इसके अलावा और कौन से इनके प्रसिद्ध चित्र थे? बांसुरी वादक, बांसुरी वादक। तीसरे नंबर पे इनका प्रसिद्ध चित्र है पुनर्मिलन। कौन सा? पुनर्मिलन। पुनर्मिलन, झोपड़ी, बांसुरी वादक, पुनर्मिलन, सितार वादक, सितार वादक। किसका चित्र है? धनराज भगत का। इसके अलावा कृष्णा, कौन सा? कृष्णा। और इसके अलावा और कौन से थे? मोनार्क श्रृंखला बनाई थी इन्होंने। कौन सी? मोनार्क श्रृंखला, मोनार्क श्रृंखला। मोनार्क श्रृंखला भी किसने बनाई? धनराज भगत ने। और इन्होंने एक और चित्र बनाया था कॉस्मिक मैन। कौन सा? कॉस्मिक मैन। तो ये इनके प्रमुख चित्र हो गए। कौन कौन से? झोंपड़ी। और ये झोंपड़ी नामक एक चित्र पीएन चोयल ने भी बनाया था, आगे अपन पढ़ेंगे। झोंपड़ी पर कौवे, लेकिन यहां पर केवल झोंपड़ी। तो ये किसका है? धनराज भगत का। बांसुरी वादक, पुनर्मिलन, सितार वादक, कृष्णा, मोनार्क श्रृंखला, कॉस्मिक मैन आदि चित्र किसने बनाए? धनराज भगत ने बनाए थे। किसने? धनराज भगत ने बनाए थे। तो ये जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, धनराज भगत के बारे में, तो धनराज की कृतियां मूलतः किसमें बनी हुई थी? घनवाद में बनी हुई थी। किसमें? घनवाद में बनी होने के कारण उन्हें घनवादी भी कहा गया है। किसको? धनराज भगत की जो मूर्तियां हैं वो घनवाद में बनी होने के कारण इन्हें घनवादी भी माना गया है, और ये यथार्थवादी भी इन्हें माना गया है। यथार्थवादी, यथार्थवादी, घनवादी और यथार्थवादी। इसके अलावा पत्थर से, किससे? पत्थर से, धातु से, लकड़ी से, पत्थर से, धातु से, लकड़ी से आदि पर अपने मूर्ति शिल्प को किसने उकेरा? धनराज भगत ने। किसने? धनराज भगत ने। अब पढ़ेंगे अपन धनराज भगत की कला प्रदर्शनियों के बारे में।
इसकी प्रमुख कला प्रदर्शनी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने कहां कहां पर कला प्रदर्शनी लगाई। तो देखिए सन 1937 में 1937 में 1937 में देश विदेश की कई प्रदर्शनियों में इन्होंने भाग लिया। 1937 ईस्वी में देश विदेश की अनेकों कला प्रदर्शनियों में इन्होंने भाग लिया। तो लिखेंगे 1937 ईस्वी में देश विदेश की विभिन्न कला प्रदर्शनियों में भाग लिया। 1937 ईस्वी में देश विदेश की विभिन्न कला प्रदर्शनियों में किसने भाग लिया? धनराज भगत ने। 1947 और 48 में लंदन की इंडियन आर्ट प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया। कब की बात है? 1947 और 48 ईस्वी में 1947 और 48 ईस्वी में लंदन की इंडियन आर्ट कला प्रदर्शनी में कहां पर? लंदन की इंडियन आर्ट कला प्रदर्शनी में लंदन की इंडियन आर्ट कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। 1956 ईस्वी की बात है, 1956 में 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया। 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी में भाग लिया। यानी कि भारत के कलाकारों की एक प्रदर्शनी लगी थी पूरी यूरोप में, तो वहां पर भी इन्होंने 1956 ईस्वी में क्या किया? अपनी कला को प्रदर्शित किया। अखिल भारतीय मूर्तिकार कला प्रदर्शनी हुई थी दिल्ली में, उसमें भी इन्होंने क्या किया था? अपने मूर्ति शिल्पों को प्रदर्शित किया था। अखिल भारतीय मूर्तिकारों की यानी कि पूरे देश के मूर्तिकारों की एक कला प्रदर्शनी हुई, जो एग्जीबिशन का नाम था अखिल भारतीय मूर्ति शिल्प कला प्रदर्शनी, जो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। वहाँ पर भी इन्होंने अपने मूर्ति कला का परिचय दिया। आईफैक्स कला प्रदर्शनी में भी, आईफैक्स कला प्रदर्शनी कहाँ पर आई है? नई दिल्ली में। तो आईफैक्स कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपने कला को आगे बढ़ाया। मुंबई आर्ट सोसाइटी में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कहाँ पर? मुंबई आर्ट सोसाइटी में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बिनाले ऑफ साओ पाओलो कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया। कहाँ पर? बिनाले ऑफ साओ पाओलो कला प्रदर्शनी में। इसके अलावा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी नई दिल्ली में भी इन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया। कहाँ पर किया? राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी यानी कि मॉडर्न आर्ट गैलरी है दिल्ली में, वहाँ पर भी इनके कार्य को प्रदर्शित किया गया। और इसके अलावा ललित कला अकादमी कोलकाता में भी इनके कला कार्य को प्रदर्शित किया गया। अब इसके अलावा इन्होंने देश विदेश में अनेकों स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। और अब अपन चर्चा करेंगे इनके प्रमुख सम्मान के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख सम्मान के बारे में।
परमो सम्मा इनको अपने कला के प्रति कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए 1937 में एक बार दो और उसके अलावा 1945 में फर्स्ट प्राइज मिला इनको पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर के द्वारा। तो लिखेंगे सन 1937 वह एक तो सन 1937 में वह 1945 में 1945 ईस्वी में 1937 और 1945 ईस्वी में फर्स्ट प्राइज मिला किसकी तरफ से? ये मिला पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर के द्वारा। पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर के द्वारा। देखिए ये जो पंजाब है ये अपने हरियाणा पंजाब, ये जो पंजाब इधर भी है और आधा पंजाब किधर है? पाकिस्तान में। यानी कि पंजाब भी बहुत बड़ा क्षेत्र था और जब देश विभाजन हुआ तो आधा पंजाब किधर चला गया? पाकिस्तान में। और आधा पंजाब किधर आ गया? भारत के अंदर। तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और भारत के अंदर भी पंजाब है। यहाँ पर अपन जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं जो कहाँ पर है? लाहौर में है। तो सन 1937 और 1945 ईस्वी में फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ था इनको। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर की तरफ से, क्योंकि देश विभाजन हुआ था 47 में। तो उससे पहले की बात है 1937 और 1945 ईस्वी में। समझ में आ गया? उसके बाद में सन 1947 में कब की बात है? 1947 में, और एक साल का गैप कर दो 1948 को छोड़ के, 1949 ईस्वी में 1947 में और 1949 ईस्वी में इनको वापिस से फर्स्ट प्राइज मिला। किसके द्वारा? आईफैक्स के द्वारा। आईफैक्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आईफैक्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो 1947 में 1949 में इन्हें वापिस से फर्स्ट प्राइज प्राप्त हो गया। और ये फर्स्ट प्राइज किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ये प्राइज प्राप्त हुआ आईफैक्स द्वारा। आईफैक्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आईफैक्स के द्वारा, आईफैक्स द्वारा। और ये आईफैक्स द्वारा प्राप्त हुआ, ये आईफैक्स कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आईफैक्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उसके अलावा 1948 में और 1949 में जो बीच में एक साल छोड़ी थी ना 1948, वो यहाँ पर आ जाएगी। 1948 में वह दोबारा 1949 ईस्वी में, 49 में एक बार पहले भी मिल गया और दोबारा यहाँ पर भी दिया जा रहा है। 1948 में और 1949 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसका? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोबारा पढ़ेंगे 1948 में और 1949 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बॉम्बे कहाँ है? बॉम्बे महाराष्ट्र मुंबई में है, तो वहाँ से भी इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके अलावा 1948 ईस्वी में देखो 1948 ईस्वी में पहले भी मिल गया बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार, और उसके अलावा 1948 ईस्वी में एक बार दूसरी जगह से भी मिला इन्हें। तो 1948 ईस्वी में इन्हें गोल्ड मेडल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा? 1948 ईस्वी में इन्हें गोल्ड मेडल 1948 ईस्वी में इन्हें गोल्ड मेडल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ये अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता के द्वारा, यानी अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता के द्वारा प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? अकादमी ऑफ कोलकाता के द्वारा प्राप्त हुआ। दोबारा सुनेंगे, 1948 ईस्वी में धनराज भगत को गोल्ड मेडल का पुरस्कार प्राप्त हुआ, और ये अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता से मिला था। कहाँ से मिला था? अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता से इन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद में सन 1961 ईस्वी की बात करेंगे, सन 1961 ईस्वी में 1961 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। कहाँ से? नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। और इसके 8 साल बाद, यानी कि 61 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1969 ईस्वी में, कब की बात है? 1969 ईस्वी में स्टेट अवार्ड मिला इन्हें साहित्य कला परिषद के द्वारा। कौन सा? स्टेट अवार्ड मिला इन्हें, स्टेट अवार्ड मिला। और ये स्टेट अवार्ड किसके द्वारा मिला? साहित्य कला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? साहित्य कला परिषद के द्वारा, साहित्य कला परिषद के द्वारा, साहित्य कला परिषद के द्वारा ये प्राप्त हुआ। और ये कहाँ से? दिल्ली से प्राप्त हुआ। इनको कहाँ से प्राप्त हुआ? दिल्ली से। कहाँ से प्राप्त हुआ? दिल्ली से। 1969 ईस्वी में स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ इन्हें साहित्य कला परिषद दिल्ली के द्वारा। और उसके बाद में 1977 ईस्वी में, कब की बात है? 1977 ईस्वी में, 1977 की बात है। 1977 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। कौन सा? पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। पद्मश्री का पुरस्कार, ये पद्मश्री का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक बार वापिस से अपन चर्चा करेंगे इनके प्रमुख सम्मान व पुरस्कार के बारे में। आइए चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सन 1937 व 1945 ईस्वी में फर्स्ट प्राइज मिला इन्हें, पहला स्थान प्राप्त हुआ। किसकी तरफ से हुआ? पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर में, उसकी तरफ से इन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1937 और 1945 ईस्वी में। उसके बाद में 1947 में और 1949 ईस्वी में, 1947 और 1949 ईस्वी में वापिस से इन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ। किसकी तरफ से? आईफैक्स के द्वारा। आईफैक्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यहाँ से भी इन्हें दो बार फर्स्ट प्राइज हुआ 1947 और 1949 ईस्वी में। उसके अलावा 1948 और 1949 ईस्वी में
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ कौन सा? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ 1948 में। इन्हें वापस एक पुरस्कार प्राप्त हो गया कौन सा? गोल्ड मेडल इन्हें मिला, गोल्ड मेडल। एक तो होता है गोल्ड मेडल, एक होता है सिल्वर मेडल, एक कौन सा होता है? एक होता है कांस्य मेडल, यानी कांस्य का। तो ये गोल्ड मेडल इन्हें अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता के द्वारा प्राप्त हुआ 1961 ईस्वी में। इन्हें वापस एक और पुरस्कार दिया गया कौन सा? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार ये कहां से मिला? नई दिल्ली से मिला। 1969 ईस्वी में स्टेट अवार्ड मिला इन्हें साहित्य कला परिषद की तरफ से। स्टेट अवार्ड कहां से मिला? साहित्य कला परिषद के द्वारा मिला। ये साहित्य कला परिषद कहां पर है? दिल्ली में। और 1977 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया कौन सा? पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। और ये पद्मश्री का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। कला के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में चौथे नंबर का पुरस्कार है। इसके अलावा धनराज भगत का इनकी जो संग्रह है या इनका जो योगदान है वो किस किस के द्वारा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे दिया गया इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो 20 दिसंबर 2018 को, 20 दिसंबर 2018 को धनराज भगत की जन्म शताब्दी मनाई गई। धनराज भगत की जन्म शताब्दी कब मनाई गई? 20 दिसंबर 2018 को मनाई गई, जिसमें देश के प्रमुख कला केंद्रों पर योगदान रहा, यानी कि कौन कौन से कला केंद्रों पर इनकी जन्म शताब्दी का प्रमुख योगदान रहा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रमुख योगदानों में अपन सबसे पहले लेते हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली। ललित कला अकादमी ललित कला अकादमी नई दिल्ली इन्होंने भी इनकी जन्म शताब्दी पर प्रमुख योगदान दिया और कला के क्षेत्र में योगदान वार्ता हुई, यानी नई दिल्ली से क्या वार्तालाप हुई, क्या योगदान रहा कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में योगदान वार्ता हुई, योगदान वार्ता हुई कहां से? ललित कला अकादमी नई दिल्ली से। उसके अलावा दूसरा प्रमुख केंद्र रहा चेन्नई केंद्र, कौन सा? चेन्नई केंद्र, चेन्नई केंद्र रहा। और इस चेन्नई केंद्र से क्या वार्तालाप हुई, यानी कि यहाँ पर स्मारक व्याख्यान किया गया, क्या किया गया? स्मारक व्याख्यान, स्मारक व्याख्यान किया गया किसके ऊपर? धनराज भगत के जन्म शताब्दी के ऊपर चेन्नई केंद्र पर स्मारक व्याख्यान किया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो केंद्र था वो था कोलकाता केंद्र, कौन सा? कोलकाता केंद्र, इस कोलकाता केंद्र से राष्ट्रीय काष्ठ कला मूर्ति शिल्प शिखर रखा गया। यहाँ पर राष्ट्रीय काष्ठ कला मूर्ति शिल्प शिखर यहाँ पर रखा गया, कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। यानी कि 20 दिसंबर 2018 को इन धनराज भगत की जो जन्म शताब्दी मनाई गई उसमें कलकत्ता के अंदर एक राष्ट्रीय काष्ठ कला मूर्ति शिल्प शिखर का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? ये किया गया कोलकाता में। उसके अलावा एक लखनऊ केंद्र भी था, लखनऊ,
लखनऊ केंद्र पर। इस लखनऊ केंद्र पर कला उत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? कला उत्सव मनाया गया। कला उत्सव मनाया गया कहां पर? लखनऊ कला केंद्र पर कला उत्सव का आयोजन किया गया। धनराज भगत के जन्म शताब्दी 20 दिसंबर 2018 के दिन। उसके अलावा भुवनेश्वर में भी एक केंद्र था। भुवनेश्वर केंद्र कौन सा? भुवनेश्वर केंद्र इस भुवनेश्वर केंद्र पर क्या हुआ? यहाँ पर पाषाण मूर्ति शिल्प शिखर का आयोजन किया गया। पाषाण मूर्ति शिल्प, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण मूर्ति शिल्प शिखर का आयोजन दोबारा सुनेंगे। भुवनेश्वर केंद्र पर पाषाण का एक और नाम है पत्थर। पत्थर को कहते हैं पाषाण। तो पाषाण मूर्ति शिल्प शिखर का आयोजन किया गया। शिखर या शिविर का आयोजन होता है ना, शिविर कैंप होते हैं उसको बोलते हैं, उसका आयोजन किया गया। दोबारा सुनेंगे एक बार कि कौन कौन से स्थानों पर क्या क्या योगदान रहा इनकी जन्म शताब्दी के ऊपर। पहले नंबर पे ललित कला अकादमी नई दिल्ली, यहाँ पर कला के क्षेत्र में योगदान वार्ता हुई। यानी कि कला के क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है, इनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में कला चर्चा हुई। कहाँ पर हुई? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। उसके अलावा चेन्नई केंद्र पर क्या हुआ? स्मारक व्याख्यान हुआ। यानी कि जो भी स्मारक होते हैं, मूर्ति शिल्प होते हैं, उन मूर्ति शिल्पों के ऊपर चर्चा हुई, व्याख्यान हुआ, लेक्चर हुआ चेन्नई में। कोलकाता केंद्र पर राष्ट्रीय कास्ट कला मूर्ति शिल्प, यानी कि नेशनल मूर्ति शिल्प जो किसमें बनाते हो, लकड़ी के जो मूर्ति शिल्प बनाते हो, उन मूर्तिकारों का एक क्या हुआ, एक शिविर का आयोजन किया गया। किसका आयोजन? शिविर का आयोजन किया गया कलकत्ता केंद्र पर। फिर लखनऊ केंद्र पर कला उत्सव का आयोजन किया गया। किसका? कला उत्सव का आयोजन किया। भुवनेश्वर केंद्र पर पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर को। पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। तो पत्थर की जो मूर्तियां बनाते हैं, उन मूर्तिकारों को यहाँ बुलाया गया और उनका भी एक शिविर रखा गया। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। इसके बाद में अंतिम लाइन में अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में। कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हो गई थी। 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई। ये थे आपके प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार जिनका नाम था धनराज भगत। अभी मैंने आपको इनके जन्म से लेकर मरण तक के बारे में आपको बताया, और आशा की जाती है कि आपको इनके जन्म, मरण, कला शिक्षा, कला प्रदर्शनी, प्रमुख चित्र, प्रमुख मूर्ति शिल्प, प्रमुख सम्मान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यदि फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या हो इन धनराज भगत के टॉपिक को लेकर, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो और आप इन्हें नोट्स के रूप में बना लेंगे। देखिए, इस वर्ष ऑनलाइन सिस्टम ही रहेगा ऐसा अनुमान है सरकार का और मेरा भी और इस कॉलेज का। तो कह नहीं सकते, कॉलेज खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता, लेकिन जहाँ तक नहीं खुलेगा, खुलने की कोई चांस नहीं है। तो आप अपने घर पर पढ़ाई
पर ध्यान दे, नोट्स बनाए, लिख लिख कर याद करे और अपना समय पढ़ाई में बिताएं, क्योंकि अभी आप समय की परवाह कर लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा समय आपकी परवाह करेगा। यदि समय को आपने बर्बाद किया तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय का ध्यान रखते हुए स्वयं का ध्यान रखेंगे उसके बाद भविष्य में समय अपना ध्यान रखेगा तो आप इस कीमती समय को नष्ट नहीं करें, क्योंकि आपका ये फाइनल ईयर है। यदि आपने मेहनत करके अच्छे नंबर लाकर अपनी मार्कशीट में अपनी अंक तालिका में अच्छे नंबर प्रदर्शित करवा दिए तो आप जब एमए में एडमिशन लेंगे, बीएड करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ये नंबर देखे जाएंगे। और जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर होते हैं उनको अच्छी कॉलेज मिलती है और ये जो नंबर आते हैं ये परसेंटेज बनती हैं, ये हमें लाइफ में बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ यदि आपने 2020 में जो कोरोना युक्त साल था यदि उसमें पढ़ना प्रारंभ नहीं किया तो 2021 ये सबके लिए शुभ है, क्योंकि इसके साथ में एक अंक है शुरू का, वो बहुत लकी होता है सभी के लिए। इसलिए इस लकी समय को आप ध्यान में रखो। और अभी एक ऐसा समय है जो अभी शादी विवाह भी नहीं है, आप आराम से घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम भी आ जाएंगे उस वक्त शादी विवाह भी होंगे और भी अन्य कार्य भी होंगे, अड़ोस पड़ोस में प्रोग्राम रहेंगे तो अपन वैसे भी बिजी हो जाते हैं। तो आप अपने पढ़ाई पर मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने कार्य में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।